हम आ चुके हैं लखनऊ। तो अभी मैं जाने वाला हूँ सुशांत गोल्फ सिटी, पीछे देख सकते हो मेरे लिखा हुआ है। और भाई यहाँ पर हम लोग फोटो खिंचाने वाले हैं, तो दोनों जन आ चुके हैं फोटो खिंचाने के लिए। इधर ये एरिया देख सकते हो, ये एरिया भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। यहाँ पे पहले फोटो ले ले, फिर उधर चलते हैं। चलो फिलहाल बताए, अभी हम लोग जाने वाले हैं। आज तो एक बज रहा है, अभी एक ही बज रहा है। फिलहाल हमारे पास टाइम है, इसलिए हम पूरा लखनऊ आज घूमने की कोशिश करेंगे, कवर करेंगे। बड़ा इमाम बाड़ा भी जाने वाले हैं, बस वहाँ पर कोशिश करेंगे इतना कि भाई कैमरा अलाउड हो जाए। भाई ये वाली तुम बिल्डिंग देखो गाइस, लिटरली ये तगड़ी तगड़ी लग रही है। राजधानी है ना, राजधानी लखनऊ की है। राजधानी, हाँ राजधानी लखनऊ की है। राजधानी है लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ है। जीके नहीं पढ़ा क्या बचपन में कभी? फिलहाल अभी इस समय हम लोग लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा में हैं और ये 3:30 बजे ओपन होगा। सो अभी बज रहे हैं 2:12 हो रहे हैं। तो बता रहे कि इस बार की जो पॉलिसी, मतलब रूल है, आगे कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम कैमरा लॉट शायद नहीं ले जा सकते। तो देखते हैं, पहले जू चलते हैं, फिर उसके बाद 4:30 बजे तक यहाँ पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, वेलकम बैक टू द जू। एंड लखनऊ के जू में हम लोग स्वागत कर चुके हैं, देख सकते हो ये रहा एंट्री गेट पीछे, और अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले। फिलहाल मैं तुमसे बोला था कि जो इमामबाड़ा है वहाँ पर हम जाने वाले थे, पर 3:30 बजे आई थिंक वहाँ पर टाइम है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहीं जू के अंदर जाते हैं और तुमको दिखाते हैं अंदर का सीन क्या क्या है, ठीक है? लेट्स गो। फिलहाल यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जू के अंदर लखनऊ के। बट मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ तुम लोग को, अगर तुम लोग को यहाँ पर कोई कैमरा लेके आना है, व्लॉग बनाना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक फ़ीस लगेगी जो 100 रुपये है, वो फ़ीस देनी पड़ेगी। और 80 रुपये पर टिकट है, मतलब जो अगर 12 साल के ऊपर हो तो आपको 80 रुपये देना पड़ेगा, 80 रुपये पे करना पड़ेगा। बट फिलहाल तुम लोग को मैं जू दिखाता हूँ आज लखनऊ का, कैसा जू होने वाला है। आई थिंक मुझे जानता हूँ तुम लोग घूम चुके होगे, बट मेरे पीछे देख सकते हो क्या है भाई। देख सकते हो गाइस, ज़ेब्रा अपना, ये रहा ज़ेब्रा अपना भाई साहब। सही लग रहा है ना काफी? इसके ऊपर हॉर्स, इसके ऊपर बैठोगे, राइडिंग करोगे, मजा ही आ जाएगा तुमको। आसमान की सैर करा दे, आसमान की सैर करा दे। चलने लगा। मेरी नस्ल का एक जानवर है यहाँ, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, शेर। और इसकी नस्ल का एक जानवर है यहाँ पर, सुअर, वो भी। भाई मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ ना, नहीं तो इसके मुंह। आओ आगे चले, आओ चलो आगे। सिर्फ तो भाई अपना ऑस्ट्रिच आंटी ने बोला था, तुझको मालूम पड़ा ना, मैं भूल गया था ना, ना भूल नहीं गया था, मालूम नहीं था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, मालूम नहीं था, आंटी ने बोला था भाई। इसकी इसकी नस्ल का एक बंदा वहाँ अंदर है, ये देखो पिक्चर। एक चीज और यहाँ पर मस्त, ये देखो ये क्या बना हुआ, एक्वेरियम है। और बाकी ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पर तुम लोग बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, अपना बढ़िया एंजॉय कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल अंदर चल के देखते एक बार क्या, तो टिकट टिकट तो कढ़ाई लिया, अंदर चल के देखते क्या सीन है अंदर। और चले भाई, अपना एक्वेरियम यहाँ, पूरा एक्वेरियम बना हुआ है, दिखाता हूँ मैं तुम लोग को सही से। ये देख सकते हो मछलियाँ हैं बस, और कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो गाइस ये रहा ये नीचे का एरिया है, नीचे से हम लोग जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से तुम लोग को दिखाता हूँ।
और नीचे देख सकते हो भाई एक्वेरियम है, छोटे मोटे एक्वेरियम है। देख सकते हो भाई ये मछली बहुत ही तगड़ी लग रही है। कुछ एरिया की चीजें हैं यहाँ पर, जैसे कि पता नहीं बर्ड्स वगैरह है और दो तीन ये एक्वेरियम हो गया। तो ये जो है ना ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, स्मेल आ रही है गंदी गंदी सी, इतना मजा नहीं आ रहा। मतलब दिखते हो अगर शेर वगैरह कहीं दिखता है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेफिनेटली। सो तुमको बोटिंग एरिया दिखाते हैं यहाँ का भी, और यहाँ का बोटिंग एरिया भी काफी छोटा सा ही है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है पर अच्छा है, अच्छा काफी अच्छा है। पैडल बोट्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे यहाँ पर बहुत पहले जब आए थे, यहाँ तो ज्यादा वो नहीं गहरी नहीं होगी ना, सारी पैडल वाली। क्या प्राइस क्या है? तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा माइक प्रॉब्लम कर रहा था, तो जो बोट का प्राइस था वो 80 रुपए था, और बाकी यहाँ पर फिर मैंने अपना माइक सेट किया। और कुछ पुरानी बोट्स थी, पता नहीं मुझे तो बिल्कुल सेफ नहीं लग रहा था, ना ही लाइफ जैकेट भी नहीं है यहाँ। सो इस एरिया पे देख सकते हो यहाँ पर कुछ हिरन है, और ये देख अगर तुम लोग को दिख रहा है क्लियरली, तो उधर कुछ भेड़ बकरियाँ भी हैं, हिरन है, और मैं तुम्हें बाकी अभी और जानवर दिखाता हूँ जो अपना फेवरेट टाइगर या चीता इतना दिख जाए, मजा आ जाए। हिरन भाई ये देख सकते हो, मेरा सामान करने किसी को मार दिया था मैंने, काले हिरन को मारा, मेरे भूख लगी। ओ भाई चलते हैं, लेट्स गो। तो ये कुछ पानी वाली डक्स थी जिनके देख सकते हो काफी बड़े बड़े, मतलब उनके मुंह के नीचे एक वो होता है स्टोरेज होता है जहाँ पर ये लोग अपनी मछलियों को रखते हैं। फिर व्यू दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये वाला देखो भाई, तुम अभी तो तुमको संभाल लेगा यार ये, तो अपने मुंह में ये फिश, इसमें फिश पाउट होता है, फिश इकट्ठा। भाई मेरे पीछे का एरिया देखो भाई, लिटरली एरिया देखो कितना सही लग रहा है भाई। ये देखो यहाँ पर तुम पीछे रील बना सकते हो, अगर आ रहे हो तो यहाँ दो तीन रील आराम से शूट हो जाएंगी। और इस पीछे का एरिया देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन ग्रीन एरिया है, और पीछे वाटर डैक है। और अभी हम लोग चलते हैं टाइगर में, टाइगर ढूंढा मुझे टाइगर नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ यार शेर कहाँ है, शेर चीता नहीं मिल रहा भाई, वही तो दिक्कत हुई तब से टहल ले हम लोग। देख तो रहे हैं तुम्हें तो कहा तुम हो, देख हाँ हाँ दूसरा टाइगर तो मैं हूँ भाई। चलो आगे उस साइड चल के देखते हैं एक बार आगे क्या सीन है। दो तीन बर्ड वाले भी जगह है यहाँ पर, पार्क भी बना हुआ बीच में, मतलब बीच में पार्क भी दे दिया भाई, ये अच्छी बात है, मेरे को सबसे अच्छी लगी। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे यार, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर मार देना, कमेंट डाउन पे करो। और तुम लोग मुझे बताओ लखनऊ में तुम लोग ये कब घूमने आए थे, जू किस डेट पे घूमने आए थे, अगर तुम्हें महीना याद हो तो। इस साइड देख सकते हो यहाँ हम लोग चलेंगे, तो ऊपर यहाँ पर बर्ड एरिया है, ये वाली बर्ड देखो तुम, ये पूरा बर्ड एरिया है, ये वाले बर्ड देखो भाई खतरनाक लग रही है भाई, ये बर्ड है क्या है अभी भाई, बर्ड ही नहीं लग रही है तो मेरे को, डायनासोर लग रहा है भाई, आज के जमाने का डायनासोर है ये पूरा काला काला है भाई, तुम तो अभी हाँ भाई अभी ये वो है भाई, ये उसको ये के नहीं वे इसको वो कहते हैं यार कुछ, अरे मांस खाता भाई ये वल्चर कहते हैं, ये वल्चर है, वल्चर बहुत बड़े होते हैं। तो भाई ये वल्चर देख सकते हो तुम कितना कमाल का लग रहा है, जूम करके दिखाता हूँ कितना खतरनाक लग रहा है, मरा हुआ जानवर तुम्हें भी खा जाएंगे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं भालू वाले एरिया पे, भालू है यहाँ पर, तुम्हें दिखाता हूँ मैं पीछे, मेरे भालू है या नहीं है वो तुम्हें दिख जाएगा, क्लियर व्यू मिले बस मेरे को, यहीं कहीं है भाई, कहाँ छुपा, कहाँ पे बोट, हाँ वाह साले कह रहे बोट पे है, इतने दुष्ट है भाई, भालू देखेंगे भाई कहाँ गया, मैं चाहता हूँ पारस को भालू उठा के ले जाए, कहाँ गया भालू भाई, यहाँ तो है ही नहीं, देखो कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। वो रहा भाई, अरे वो रहा भाई साहब, साले खूंखार होते हैं पता नहीं। टाइगर तो मिल गया गाइस, बट टाइगर तो खा के कुछ सो पड़ा है, देख सकते हो हम लोग इतना चिल्ला रहे थे पर उठ ही नहीं रहा, पर देखो भाई कितना सही लग रहा है ना देखने में। एक और बैक व्यू देख सकते हो भाई टाइगर का, भाई ये बहुत ही तगड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके लिए कमेंट पे बताओ भाई मेरे को कैसा लग रहा है। तो फिलहाल अभी पूरा का पूरा जू तो घूम लिया है, टाइगर मुझे देखना था बेसिकली, टाइगर देख लिया है, मज़ा काफ़ी आया, तुम लोगों को मज़ा आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब मार देना, बाकी तुम्हें बताना कमेंट बॉक्स पे कि तुम्हें सबसे अच्छा सीन क्या लगा ब्लॉग का। एंड अभी जा रहे हम लोग, देखते कहीं भी जा सकते हैं, पहले कुछ खाएंगे फिर जाएंगे भाई देखेंगे। अच्छा मेरे को यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगी, जैसे कानपुर का जो जू है वो थोड़ा सा बहुत लंबा है, काफ़ी लंबा टहलना पड़ता है, अरे पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाना पड़ता है भाई, बहुत बहुत दूर तक जाना पड़ता है। पर ये वाला जो लखनऊ का जू है वो छोटा ही सही है पर अच्छा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट में बना रखा है हर जगह, मतलब आपको जल्दी प्लेसेस मिल जाएंगी जहाँ पर भी जानवर है लोकेटेड, वो सारी जगह तुम्हें मिल जाएंगी बेसिकली। अब यहाँ से निकलते हैं
और तुमसे मिलते बाहर, लेट्स गो। तो फिलहाल हम लोगों ने बड़ा इमामबाड़ा घूम लिया गाइस, पर तुम लोगों को मैं दिखा नहीं पाया उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। देखो बात ये नहीं है, मैं चाहता था क्योंकि हम लोगों को कैमरा अलाउड नहीं था, ना फोन का कैमरा अलाउड हुआ ना DSLR अलाउड है, कोई भी इसमें अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं कैमरा अंदर नहीं ले जा सकता, नहीं दिखा सकता। पर एक बात ये है याद रखना कि भाई जब भी अगली बार आएंगे तो शायद कोशिश करके देख लेंगे, पर पिछली बार जब मैं आया था तब इमामबाड़ा के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। पर अभी फिलहाल जो हम लोग जा रहे लखनऊ से एंड करते कानपुर वापस चलते, फिर अगर तुम्हें ब्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देना, कहने वाली बात नहीं है। चलो लेट्स गो, निकलते हैं।